फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों का 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बीच में क्या क्या खाना देना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ गूगल का फूड चार्ट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम वेजिटेरियन है तो गूगल को भी जो हम खाना देते हैं वो वेज होता है, लेकिन आप इसमें एडिशनली नॉन वेज ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। तो फिर आप इस फूड चार्ट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले हमारे चैनल में एक वीडियो आया था जिसमें कि फूड चार्ट कैसे बनाना है अपने बच्चे के लिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल्स में बताया है, जिसमें कि 6 मंथ टू 8 मंथ्स के बीच में भी एक सैम्पल फूड चार्ट मैंने प्रोवाइड कराया है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बच्चों का फूड चार्ट बनाते कैसे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ 9 टू 12 मंथ्स तक के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या खाना कब देना चाहिए। कुछ फूड चॉइसेस मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके अलावा आप अगर चाहें तो कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट, क्योंकि आपके फैमिली में जो खाना बनता है आप उसके अकॉर्डिंग फूड चार्ट बना सकते हैं। मैं आज आपको जो फूड चार्ट देने वाली हूँ वो गूगल का फूड चार्ट है। अगर आप हमारे चैनल फॉलो करते हैं तो आप हमारे बेटे गूगल को ऑलरेडी देखे होंगे, उसका वेट और हाइट बाकी सब काफी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। फ्रेंड्स, उसके लिए जो ट्रैकर्स हम यूज करते हैं उन सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो फूड चार्ट हम उसके लिए फॉलो कर रहे थे वो सारी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, होपफुली ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुए हों। अगर अच्छे लगे हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले, ताकि हमारी कम्युनिटी में भी दूसरों को हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे तो लाइक बटन को जरूर हिट करिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये रहा गूगल का फूड चार्ट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको मैं बारीकी से आपको समझाना चाह रही हूँ। 9 से 12 महीने तक बच्चों को हमेशा ही 2 मील और 1 स्नैक देना चाहिए। आप चाहे तो 2 हेवी स्नैक और 1 मील भी दे सकते हैं। ये बच्चे की अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क ही प्रायोरिटी बेसिस में देना है। एप्पल को हम 3 तरह से दे सकते हैं, प्यूरी या फिर अमेस्ड फॉर्म में या फिर जूस बना के। मिक्स वेज दलिया आप लंच के टाइम पे सर्व कर सकते हैं, सूजी उपमा भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें बच्चों को डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इस उम्र में बच्चे काफ़ी इजीली ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वजह से आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा बच्चों को ये सारी चीज़ें फूड चार्ट में ऐड करने में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बनाना मैश्ड ऑरेंज जूस, पियर प्यूरी, आप कई सारे फॉर्म में फ्रूट्स दे सकते हैं। आप दाल रोटी, मूंग दाल खिचड़ी या फिर वेजिटेबल खिचड़ी दे सकते हैं, होममेड सीरियल दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मेनली ग्रेन्स के ऊपर होता है, इन सबको आप लंच में इंक्लूड करिए। और इवनिंग स्नैक में आप कभी भी बच्चे को दे रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हेवी अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी छीला, जैसे आटा छीला, बेसन का छीला या सूजी का उपमा, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है कॉम्पेयर टू एनी फास्ट फूड। फ्रेंड्स, अगर सुबह का ब्रेकफास्ट या नाश्ते के रूप में आप बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी आप सिर्फ फ्रूट्स ही दीजिए, क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी जल्दी एक्सेप्टेबल होते हैं। फ्रेंड्स, लंच के टाइम पे आप फुली बॉइल्ड चावल और दाल मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं, थोड़ा सा मैश करके, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये सारे आइटम्स आप दे सकते हैं। फ्रूट्स में आप बच्चे को 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स एप्पल, एवोकाडो, बनाना, पियर्स, मसमेलन, पीचेस, प्लम, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। फ्रूट्स में ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चे को कुछ भी फ्रूट दे सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपके बच्चे को कोई चीज़ से एलर्जी ना हो। आप एलमंड्स, कैशियो, रेजन्स, ये सारी चीज़ दे सकते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। बच्चे को 9 मंथ ऑनवर्ड्स एलर्जी होने का चांसेस काफ़ी कम रहता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही बच्चे को ये सारी चीज़ इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो बच्चे को एलर्जी होने का चांसेस काफ़ी कम रहता है। फ्रेंड्स, आप वेजिटेबल्स में भी सारे ही वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, करेला या पालक देते हुए थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सारे बच्चे करेला और पालक इजीली
खाते नहीं है। अगर आपका बेबी खा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पालक का जो बॉईल करने के बाद उसका पानी होता है या फिर करेले का भी बॉईल करने के बाद जो पानी होता है उससे आप शुरू कर सकते हैं ताकि बच्चा काफ़ी इजीली एक्सेप्ट कर ले। गूगल का वैसा कोई दिक्कत नहीं होता, वह करेला भी खा लेता है और पालक भी खा लेता है, क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग हमने उसको यह आदत डलवाया है। जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चों को इस एज में हनी और शुगर स्ट्रिक्टली नहीं देना है क्योंकि ये मीठा होता है, और एक साल से पहले अगर आप बच्चे को मीठा इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो बच्चा बाकी सारे टेस्ट से थोड़ा सा परहेज करने लगता है। इस वजह से आप एक साल के बाद ही शुगर या हनी बच्चों के खाने में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों का खाना जब आप बनाते हैं हल्का ऑयल में, थोड़ा सा स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हल्दी हो गया या धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ऐसे हल्का सा ही आप यूज़ कर सकते हैं। नमक भी आप कम ही दें। इन सब से क्या होता है कि ओरिजिनल वेजिटेबल का जो टेस्ट होता है वो बच्चे काफ़ी ईजिली पहचान पाते हैं, और उसके बाद फूड टैंड्रम्स भी बच्चों का नहीं होता क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट के चलते बच्चों का वो हैबिट हो चुका होता है, और आगे चल के ये उनको काफ़ी अच्छा हेल्प करता है सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में। होपफुली आज का जो ये फूड चार्ट है ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, और हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।